नब्बर्स की बात की जाए तो देखा जाता है युवा नब्बर्स को मनाने के लिए गोवा, मनाली, शिमला सहित विभिन्न स्थलों पर घूमने के लिए जाते हैं, जिससे कि वह अपने इस दिन को काफ़ी खुशहाल मना सके। लेकिन मेरठ में अब की बार अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। जिन ट्रैवल एजेंसी पर युवा गोवा मनाली के लिए अपनी बुकिंग कराते थे, अब वह धार्मिक स्थलों की यात्रा करने के लिए बुकिंग करा रहे हैं। अगर हम बात करें तो अब की बार 100 में से 60% जो बुकिंग हो रही है वो धार्मिक स्थल के लिए हो रही है। उसमें भी सबसे ज़्यादा अयोध्या के लिए युवा बुकिंग करा रहे हैं, सभी भगवान श्री राम लला के दर्शन करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, अगर दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पर आपका बनारस, भगवान पशुपतिनाथ मंदिर और मथुरा सहित विभिन्न ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहाँ युवा जाना चाहते हैं। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं नंबर्स पर जिस तरह का यह नज़ारा देखने को मिला, ये अपने आप में खास। इतना ही नहीं, सम्राट ट्रैवल एजेंसी के मालिक संजय सम्राट की माने तो उनका कहना है कि युवा जहाँ ट्रैवल बसों में बुकिंग करा रहे हैं, वहीं परिवार के और दोस्तों के साथ घूमने के लिए स्पेशल तौर पर 17 सीटर बसों को भी बुक कर रहे हैं और साथ ही छोटी गाड़ियों को भी बुकिंग अब की बार की जा रही है। उन्होंने कहा कि वैसे तो देखा जाता है कि हर साल बुकिंग होती है, लेकिन इस बार बम्पर बुकिंग करने में युवा प्राथमिकता दे रहे हैं। देखा जा रहा है कि अब की बार जो नंबर्स पर युवा शिमला जाते हैं, गोवा जाते हैं, अब की बार बड़ी मात्रा में अयोध्या और बनारस जाने के लिए तैयारी किस तरह करना चाहता है? नहीं, अब की बार पहले वो बोले, हालांकि हम हर साल देखते हैं भाई, न्यू ईयर है तो हर साल ही गाड़ियाँ जाती हैं भारत में, लेकिन अब की बार पहले के मुकाबले, जैसे कि मान लीजिए पहले 80% लोग ना बाहर ज़्यादा घूमने जाते थे, मनाली चले गए, इधर चले गए, उधर चले गए, गोवा चले गए, अब की बार उसमें कम से कम 60% की गिरावट ये आई है कि 40% आदमी ही घूमने के लिए गोवा वगैरह जा रहा है। इधर 60% का इशू, 55 से 60% अब की बार धार्मिक स्थलों की तरफ जा रहा है आप कस्टमर, मतलब कह सकते हैं कि अभी वहाँ भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए युवाओं में उत्सुकता है, उत्सुकता है बहुत ज़्यादा है। अयोध्या जा रही हैं टूरिस्ट, पर अयोध्या जा रहे हैं, आपके बाद बनारस, काशी विश्वनाथ को देखने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट, आपके बाद हम पे काफ़ी काम गाड़ी का आएगी, बाय कार जाएंगे, भाई साहब गाड़ी दे दो, बस हमें तो वहाँ जाना है। कार से जाने के लिए डायरेक्ट जा रहे हैं लोग, यार और तीर्थ स्थान घूमना है हमें, 5-7 जगह तो हमें जाना है भैया, काशी विश्वनाथ जाना है। अयोध्या तो अक्सर लोग बहुत सारे कस्टमर गाड़ी से जाते हैं कार से, मतलब बहुत चीज़ें बदल रही हैं। अब की बार हमने पहली बार देखा है ऐसा कि इतना, पिछली बार भी 10-15% बढ़ा था, अब की बार तो बिल्कुल बहुत ही कमाल हो गया। अब के टेम्पो का भी क्रेज़ इसलिए ज़्यादा है टेम्पो ट्रैवलर का कि वो काशी विश्वनाथ लोग इकट्ठे हुए, चलो जी टेम्पो ट्रैवल से चल रहे हैं, तो बड़ी गाड़ी भेज दो, जैसे कस्टमर का जितने कैपेसिटी है, कैंडिडेट है, उस हिसाब से वो गाड़ी करके हायर करके उधर लोग जा रहे हैं। अयोध्या का बहुत अच्छा आपके बार हुआ है इसको। न्यूज 18 मेरठ से विशाल भटनागर की रिपोर्ट।